स्टूडेंट जोन फॉर बेस्ट लर्निंग दिस इज पार्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास 8. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एबल टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सक्षम है कि वो किस तरीके से समाज की आवश्यकता अनुसार खुद में बदलाव कर सके. सिंस इट वॉज फेम्ड मेनी सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द कंट्री. सिंस मतलब ये इस तरीके से फ्रेम किया गया था कि बहुत से सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस वो होते रहते हैं कंट्री में. सम गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन माइट हैव बिकम आउटडेटेड. इसलिए कुछ गाइडलाइंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो जो है क्या आउटडेटेड होते रहते हैं. So by a process of amendment it is possible to add or modify the existing rules of the constitution. इसलिए संशोधन के प्रोसेस से अमेंडमेंट द्वारा पॉसिबल होता है कि हम उसमें कुछ नए रूल्स ऐड करें या फिर जो हैं पुराने उसको उसमें कुछ सुधार करें. इस तरीके से संविधान में कुछ नियमों को में कुछ ऐड किया जाता है और कुछ को मॉडिफाई किया जाता है. फॉर एग्जांपल इन 2005 द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट गिव डॉटर्स इक्वल शेयर इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी. जैसे 2005 के अनुसार एग्जाम्पल है ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि एक डॉक्टर को इक्वल शेयरिंग पेरेंटल प्रॉपर्टी में देता है कि मतलब कि एक बेटी को भी उतना ही अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी पे अधिकार है जितना बेटे को. एज द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूसली मॉडिफाइज इट्सेल्फ टू सूट द नीड्स ऑफ द पीपल. और समय समय पे कंटिन्यूसली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मॉडिफाई करता रहता है अपने आप को जो कि पीपल के नीड्स को सूट कर सके. इट इज़ कॉल्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट. इसी को हम लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं. नीड फॉर लॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री सीक्स टू सिक्योर इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सिक्योर एंड मतलब इस तरीके से सीक करता है कि वो सिक्योर रूप से इक्वल समान रूप से और न्यायिक रूप से सबके लिए है समाज में. हाउएवर इनइक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिस प्रिवलेंट इन द सोसाइटी ड्यू टू वेरिड रीजन्स. जबकि असमानताएँ या एक तरीके से अन्याय जो है वो प्रिवलेंट रहा है समाज में कुछ कारणों की वजह से सच एज एज ओल्ड कस्टम्स पॉवर्टी इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस. जैसे जो हमारी पहले की प्रथाएं हैं उसकी वजह से कुछ चीज़ें आज भी असमानता है लोगों के बीच में पैदा कर रही है. जैसे पुरानी प्रथाओं के अनुसार और गरीबी, इसके अलावा मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं और अज्ञान है. ये सब अज्ञानता और ये सब क्या करती है लोगों में समानता और अन्याय को जन्म देती है या फिर उसको कंटिन्यू रखी हुई है. इकोनॉमिकली एंड सोशली स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टेंड टू एक्सप्लॉइट द पुअरर सेक्शंस. इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन है सोसाइटी का वो क्या करते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं शोषण करते हैं पुअरर सेक्शंस के. लीडिंग टू वेरियस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस. उनके साथ कई भेदभाव वाली एक तरीके से प्रथा को अपनाते हैं. टू एरिटिकेट सच इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट द इम्प्लीमेंट्स सर्टेन लॉज. और इसी इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन को एक तरीके से ख़त्म करने के लिए कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कई प्रोविजन्स के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रावधान के आधार पर एक इम्प्लीमेंट्स मतलब क्रिएट किया कुछ सर्टेन लॉज का. Through these laws, the government aims to establish equality and social justice. ये जो कानून गवर्नमेंट ने बनाए तो उसका मेन बेस यही था कि किस तरीके से समाज में इक्वालिटी और सामाजिक जस्टिस जो है वो आए इस्टेब्लिश हो. Dissents. Sometimes when the people are not happy with the certain law, they are allowed to show their displeasures in form of protest. कभी कभी लोग जो है वो खुश नहीं होते कुछ कानून से खुश नहीं होते तो उनको अनुमति होती है वो अपने डिसप्लेजर को मतलब अप्रसन्नता को
प्रकट कर सकें, किसके रूप में, प्रोटेस्ट के रूप में, विरोध के रूप में, और इसी को डिसेंट कहा जाता है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया सच प्रोटेस्ट आर वेरी कॉमन। लोकतांत्रिक देश में जैसे भारत में ये प्रोटेस्ट कॉमन है, मतलब डिसेंट कॉमन है। इन ए डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इफ़ वन सेक्शन ऑफ द पीपल इज़ नॉट हैप्पी, दे टेक द हेल्प ऑफ मास मीडिया टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल इन द सोसाइटी। डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ अगर कोई भी सोसाइटी का कोई भी सेक्शन या पीपल जो है हैप्पी नहीं है, तो वो मास मीडिया की हेल्प से और भी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, समाज के और भी लोगों को अपनी बातें समझा सकते हैं। दस डिसेंट्स बिकम मास प्रोटेस्ट, और इस तरीके से डिसेंट्स क्या बन जाता है, एक मास प्रोटेस्ट, मतलब बहुत संख्या में लोग उसमें आ जाते, एक तरीके से बहुत बड़ा रूप ले लेता है। समटाइम्स मास प्रोटेस्ट कैन लीड टू चेंजेस इन एग्जिटिंग लॉ। कभी कभी मास प्रोटेस्ट क्या करता है, वो बदलाव लाता है, जो कानून बना हुआ रहता है उसका, उसमें बदलाव लाता है। हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेस्ट इन ए पीसफुल मैनर विदाउट डिसरप्टिंग लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि जो विरोध हो वो शांतिपूर्वक हो, ताकि लाइफ का लॉस ना हो या प्रॉपर्टी का लॉस ना हो, किसी को नुकसान ना हो। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट। चलो हम डिसेंट के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देयर वर वाइड स्केल प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ड्यूरिंग द 1990s। तो एक तरीके से वाइड स्केल बहुत बड़े पैमाने पे विरोध हुआ था, किसके खिलाफ, रिजर्वेशन आरक्षण के खिलाफ, जो कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए लागू हुआ था 1990 में। द प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट एंड इन मेनी प्लेसेस स्टूडेंट डिस्ट्रॉयड पब्लिक प्रॉपर्टी। और ये प्रोटेस्ट जो है किसमें हिंसात्मक रूप में परिवर्तित हो गया था, और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत ही ज़्यादा नष्ट कर दिए थे। सम स्टूडेंट्स इवन अटेंड सेल्फ इमो लेसन्स, और कुछ स्टूडेंट तो सेल्फ इमोलेशंस भी कर लिए थे। आफ्टर द प्रपोजल टू मेक द तेलंगाना ए सेपरेट स्टेट वॉज पास्ट, देयर वर वाइड स्केल प्रोटेस्ट बाई पीपल इन अदर स्टेट आल्सो डिमांडिंग सेपरेट स्टेट्स। इन द असम पीपल डिसरप्टेड द रेल सर्विस बाई क्रिएटिंग ब्लॉकेट्स। कहने का मतलब कि जब प्रपोजल हो गया तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट बनेगा, अलग स्टेट बनेगा, तो वाइट स्केल पे बड़े पैमाने पे विरोध हुआ, अदर स्टेट के पीपल द्वारा वो भी डिमांड करने लगे कि उनको भी सेपरेट स्टेट बनाया जाए। असम में लोगों ने रेल सर्विस को ब्लॉक करके बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हस्तक्षेप किया था, मतलब एक तरीके से रोक लगा दी थी रेल सर्विस में।